गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। एंड प्रीवियस डे वी हैव डिस्कस्ड द सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2, एनिमल्स एंड देयर वेरिंग लाइफस्टाइल्स। इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग द लाइफस्टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, हाउ दे अडैप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट एंड हाउ देयर लाइफस्टाइल वेरीज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स का जो अलग अलग लाइफ स्टाइल है, जीने का तरीका है, कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि क्या ब्रीदिंग के लिए क्या उनका अडेप्टेशन है, मूवमेंट के लिए क्या अडेप्टेशन है ना। एक्वेटिक एनिमल्स का हमने पढ़ा है, एरियल एनिमल्स का हमने पढ़ा है, और हम लोग करते हुए चेक पॉइंट 1 ख़त्म करके फीडिंग का अडेप्टेशन भी हमने पढ़ लिया था उस दिन। और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा होने वाला है अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि अपनी बचाव के लिए, अपने आप को सुरक्षा देने के लिए वो कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक है, मेनी एनिमल्स आर एट द रिस्क ऑफ बींग अटैक्ड बाई देयर प्रीडेटर्स। ऑल ऑफ यू नो दैट एनिमल्स हैव देयर प्रीडेटर्स, मीन्स दे हैव ए रिस्क दैट दे मे बी ईटन बाई सम अदर एनिमल्स एज देयर प्रे। आप सभी लोग जानते हैं कि एनिमल्स को इस बात की बहुत रिस्क होती है, हमेशा खतरा होता है कि हो सकता है कि कोई उनका शिकार करके उन्हें मार डाले, खा जाए उन्हें, है ना। सम ऑफ देम डेवलप स्किल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। उनकी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास में, मतलब ये होता है कि स्किल होता है उनके अंदर, ये खासियत होती है कि वो अपने आप को अपने प्रीडेटर से बचा कर रख पाएँ। उनमें पहला पॉइंट हम लोग स्कॉर्पियंस, बीज और वास्प के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो बिच्छू होते हैं या फिर मधुमक्खी होती है, ये सब लोगों के पास में क्या होता है कि इनका जो स्टिंग होता है, यानी कि जो एक हेयरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डंक होता है एक तरीके का, जिससे कि जहर, जिसमें जहर लगा होता है, ठीक है। और जब भी उन पर कोई अटैक करता है तो वो डंक से वो उन्हें क्या करते हैं, घायल कर देते हैं। इस तरीके से इनका जो ये स्टिंग होता है, ये इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है प्रीडेटर से। कुछ स्नैक्स जैसे बहुत जहरीले होते हैं, उनका टीथ जो होता है ना, दांत जो होता है, बहुत ही जहरीला होता है, जिसको हम लोग फैंग्स कहते हैं, ठीक है। उनके उस जहरीले दांत को हम लोग फैंग्स कहते हैं। और जब ये खतरे में होते हैं या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके प्रीडेटर्स ने इन्हें अटैक कर दिया है, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं कि वो उस खतरनाक जहर को उस प्रीडेटर की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, काट लेते हैं। काटने से क्या होता है, उनका जो पॉइजन है वो उनके बॉडी में चला जाता है, जो उनका प्रीडेटर है, जो उनको मारने की कोशिश कर रहा है, उनके बॉडी में। एनिमल्स सच एज बीटल्स प्रिटेंड टू बी डेड टू ट्रिक देयर एनिमीज। कुछ एनिमल्स जैसे कि बीटल्स, ये क्या करते हैं कि ये नाटक करते हैं जैसे कि वो मर गए हैं, ताकि उनका एनिमी जो है उन पर अटैक ना करे, उनको लगे कि ये तो पहले ही मरा हुआ है, क्या अटैक करेंगे इस पर, है ना। तो ये एक ट्रिक होता है उनके लिए कि वो एक डेड के रूप में मतलब एक्ट करते हैं और अपने दुश्मन को इस रिस्क में डाल देते हैं कि अरे यार ये तो मरा हुआ है, बट वो जिंदा होते हैं, ठीक है। द हाउस लिजार्ड ब्रेक्स ऑफ इट्स टेल व्हेन अटैक्ड बाय इट्स एनिमी। द टेल कंटिन्यूज टू मूव इटसेल्फ व्हाइल द लिजार्ड एस्केप्स। द लिजार्ड ग्रोज अ न्यू टेल लेटर। देखिए इसके पास कितनी दिमाग है। जो आप घर में छिपकली देखते हो ना, इसको जब भी लगता है कि उसका एनिमी उसको अटैक कर दिया है, तो वो क्या करता है, अपने टेल को ना वहीं से ब्रेक कर लेता है, मतलब कि वहाँ से कट के, अगर उसका कहीं कट गया तो वो वहाँ से भाग जाता है, उसकी टेल वहीं छूट जाती है, और वो टेल जो है ना कुछ दिन बाद ग्रो करके एक नए छिपकली में बदल जाती है, और जो कट के छिपकली गई थी उसमें एक नई टेल आ जाती है, और इस तरह से क्या होता है कि दोनों कंटिन्यू कर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती है, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे मिलीपेड और पेंगोलिन, ये क्या करते हैं, अपने बॉडी को घुमा लेते हैं, गोल गोल करके रोल कर लेते हैं जब उनको अटैक करता है कोई भी प्रीडेटर, तो ठीक है। और अपने एनिमी से चीट करते हैं, यानी धोखा देते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि उनका जो है बॉडी जो है वो उस शेप का है, डिफरेंट शेप का है, ठीक है। कुछ एनिमल जैसे कटलफिश और ऑक्टोपस, ये क्या करता है, रिलीज ए क्लाउड ऑफ ब्लैक इंक लाइक सब्सटेंस व्हेन अटैक। जब इस पे अटैक होता है ना, तो काले कलर का इंक जैसा कुछ चीज़ जो है बादल नुमा स्ट्रक्चर में ये रिलीज करने लग जाता है, और इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है प्रीडेटर को कि एंड दे फाइंड टाइम टू एस्केप।
मतलब उनको कुछ डर सा लग जाता है अचानक से ऐसा कुछ हो जाने पे, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। इससे वो बच भी जाता है और उनका प्रेडेटर वहाँ से चला भी जाता है। कुछ एनिमल जैसे ग्रास हॉपर्स, ये क्या करता है, अपने प्रेजेंस को ना कंसील, छुपाने की कोशिश करता है अपने सराउंडिंग में कि उनके बॉडी कलर को चेंज करके। ये आसान नहीं हो पाता है। ग्रास हॉपर को पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि ग्रास भी ग्रीन और ग्रास हॉपर भी ग्रीन। चमेलियन के पास भी ये एक क्षमता होती है कि वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर सकता है अपने सराउंडिंग के अनुसार वो अपने बॉडी को क्या कर सकता है, उसके कलर को चेंज कर देता है और अननोटिसेबल बन जाता है, यानी कि उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके नेमी उसे पहचान ही नहीं पाते हैं कि वहाँ पर वो है। और ये उनकी जो स्किल है, ये उनकी जो क्षमता है या बिहेवियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग एक ऐसी गुण है जो कि उसको अपने एनवायरनमेंट के साथ मिल जाने में, घुल जाने में हेल्प करता है। क्यों? उनके कलर के कारण, ठीक है, अपने कलर को ही चेंज कर देते हैं। माइग्रेशन अगला टॉपिक हमारा होगा, जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। माइग्रेशन पढ़ने के बाद में जो है हमारा ये चैप्टर का आई थिंक फिनिश्ड ही होगा। हाँ, माइग्रेशन हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसको करके हम लोग कल जो है ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है इसको पढ़िएगा। कुछ पॉइंट्स है, जैसे इसमें अलग अलग एनिमल्स कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, ये आप लोग पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।